पर्दे को उस पार बैठी हुई कौम की बहनों बेटियों को करना है। आप अमल कर लो, मुकद्दर संवारना हुसैन का काम है। अमल आप कर लो, अजर देना उनका काम है। कभी तलाक नहीं होगी लड़कों को नहीं, कौम के बॉयज को नहीं, मर्दों को अमल नहीं करना है, औरतों को करना है। क्योंकि हर बहन बेटी के लिए सीरत बीबी ज़ैनब नमूना अमल है। वो फार्मूला देने जा रहा हूं कि कभी तलाक नहीं होगी, वो फार्मूला तुम्हारे दरमियान आने वाला है। हर बहन बेटी के लिए सीरत बीबी ज़ैनब नमूना अमल है। मौलाए मुत्तकियान आए, अब्दुल्ला से निकाह का वक्त है ज़ैनब का। अली ने आके पूछा, बेटा ज़ैनब, अब्दुल्ला ने पूछवाया है मेहर में क्या चाहिए। निगाहों को छुपा के चुना कहा, बाबा ज़ियारत हुसैन, ज़ियारत हुसैन। अगर आज से कौम की बहनें अहद कर ले कि हम मेहर में ज़ियारत हुसैन मांगेंगे। ज़ियारत हुसैन क्या पता किस्मत में इसी बहाने करबला जाना लिखा हो। अमल आपको नहीं करना, कौम की बहनों को अमल करना है, तुम्हें अमल करना है। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप खुद आ गए मजलिस में? इसे कहते हैं वैलिडिटी ऑफ वुमेन, द पावर ऑफ वुमेन, द इंपॉर्टेंट ऑफ वुमेन इन इस्लाम। क्या है औरत, क्या कर सकती है औरत? बहनों के लिए मैंने बात कह दी, मेरी कौम की बहनें अहद करें कि जब भी निकाह होगा मेहर में आकर कुछ मांगेंगे तो ज़ियारत। अच्छा, बड़े मौलाई हैं हमारे कुछ लोग, सरकार पूरी शादी जब कर देते हैं कई मौला याद नहीं आते, कई मौला याद नहीं आते। लाखों लाखों रुपए का डेकोरेशन, 17-17 क्वालिटी के खाने। हाँ मुझे पता, सब नहीं बोलेंगे, मैं समझ सकता हूं, मैं दर्द दिल जानता हूं जो खामोश है बड़े मजलूम है। क्या किया जाए, पूरी शादी कर देंगे, कई मौला याद नहीं आएंगे। अब मौला कब याद आएंगे, शहजादी कब याद आएंगी? जब निकाह की बारी आएगी, जब निकाह की बारी आएगी और मौलाना पूछेंगे जब कि महर में क्या लिख दिया जाए। सलामत रहिए, सलामत रहिए। क्या कहें, जब मौलाना पूछेंगे महर में क्या लिख दिया जाए, हाँ वो महर फातमी लिख दीजिए। शर्म नहीं आती, महरे फातमी तो याद है, फातिमा का दहर याद नहीं है। आज हमें महरे फातमी याद है, फातिमा का दहर याद नहीं। देख क्या उसूर है उस चचा को यकीन भतीजी को पालना। ये बेटी खुद दहेज होती है, बेटियां खुद दहेज होती है यार। बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है? घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। हर बहन, हर बहन, हर बहन बेटी के लिए सीरत बीबी ज़ैनब नमूना अमल है। ज़ैनब को देखते चले जाओ। आप क्या सोचते हो, शहजादी सिर्फ आपका सहारा है? आप सुन लो बाबा, नींदे हराम हो जाएगी। सुन लो क्या है शहजादी, हमारे मजहब इस्लाम में चार पॉइंट है, चार पॉइंट। पहला पॉइंट इस्लाम भेजने वाला, दूसरा लाने वाला, तीसरा पहुंचाने वाला, चौथा बचाने वाला। भेजने वाला अल्लाह, लाने वाला मोहम्मद, पहुंचाने वाला अली, बचाने वाला। पहुंचाने वाला, पहुंचाने वाला हुसैन। अच्छा मेरी बहनें भी सुन रही हैं, वो सोचेंगे कौन सा इस्लाम है, क्या इस्लाम को बचाने की सब मर्दों ने किया? नहीं, घबराइए नहीं, हर मर्द के साथ एक औरत है। मोहम्मद के साथ खतीजा, जागो जागो, के साथ फातिमा, हुसैन के साथ ज़ैनब। हम और आप ज़ियारत में फिक्रा पड़ते हैं, बचाने वाला हुसैन ना। अब सुन लो सरकार, औरत की ताकत क्या है? बचाने वाला
ज्यादातर फिक्र पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकी या हफाजत अल इमाम, ऐ इमाम की हिफाजत करने वाली तुझ पे हमारा सलाम। जो दीन की हिफाजत करे वो इमाम, जो शरीयत की हिफाजत करे वो इमाम, जो अहकाम की हिफाजत करे वो इमाम, जो कुरान की हिफाजत करे वो इमाम, जो कुल कायनात बचाए उसे इमाम कहते हैं, जो इमाम को बचा ले उसे साइनाम कहते हैं। जो इस्लाम बचाए वो हुसैन, जो हुसैन बचाए वो है ज़ैनब। जुमला कहूं, अब्बास जैसा जलाली जिसके सामने नजरें झुका के बात करे उसे ज़ैनब कहते हैं। जिब्राइल जिसका झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसका झूला झुलाए उसे ज़ैनब कहते हैं। छोटी जात है ज़ैनब, ये एक अलग का मौजू है। ज़ैनब एक मौजू में पढ़ता हूं, ज़ैनब बादे करबला। अभी मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूं, देखिए अगर आप लोग टूट जाएंगे तो मैं पढ़ लेता हूं। हाँ, ये तो आपका हुस्न ज़ैनब मोहब्बत है, ये खून की हरारत है, क्या करें, क्या सोच के आए थे जुमले पे रोएंगे, नहीं मोहब्बत है। मैं बता रहा हूं औरत की ताकत, ये आजादारी बची कैसे। ये जो चंद लोग माशरे में खड़े होकर आज कर रहा ना, मैं मेरी मजलिस, मेरी अंजुमन, मेरी इमाम बारगाह, मेरा खतीब, मेरा जुलूस, मैं ये मैं कहां से आ गई। मैं बात आपसे इंसाफ से, मैं बहुत दिल से पढ़ रहा हूं, इंसाफ से बताइए। दाएं बाएं देखिए, अपने गिरबान झाड़िए, अगर आपसे आजादारी को छीन लिया जाए तो आप है कौन। अपनी आइडेंटिटी बताइए सरकार, अपनी पहचान, आप है कौन। मैं, मेरी मजलिस, मेरी अंजुमन, मेरी इमाम बारगाह, मेरा खतीब, मेरा ही कहां से। असल में होना क्या चाहिए था, हुसैन की मजलिस। यार आप साथ छोड़ रहे हो मेरा, हुसैन का जाकिर, हुसैन का, अब्बास का, अब्बास की मैं कहां से आ गई। एक जुमला कहूं, लिख लीजिएगा ये मैं कहां से आ गई। मैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए है और आई मैं मासूम के लिए है और किसी के लिए मैं नहीं। आज कर मैं, मेरी मजलिस, खबरदार याद रखो, हम सब आजादारी के गुलाम है। हम सब आजादारी के नौकर है और नौकर को अपनी औकात में रहना चाहिए। क्या आजादारी किसी मर्द ले जाते हैं? मैं सिर्फ बता रहा हूं औरत की ताकत। औरत कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इज्जत दे दो, घर को जन्नत बना देगी। हाँ, ये पूरी तारीख है, ये पूरी तारीख है औरत की ताकत। सिर्फ मखसूस अलकाब से नवाजा गया है ज़ैनब को, ज़ैनब ने कुछ नहीं किया, ज़ैनब ने खुद को मिले हुए अलकाब की तर्जुमानी की है। नहीं, आप जुमला तो जाया कर रहे हैं मेरा। मैंने कहा ज़ैनब ने खुद को मिले हुए अलकाब की कैसा है, सुने आजादारी आई कहां से। आप क्या सोच रहे हो कि आप खुद आ गए मजलिस में, कोई नगरम से, कोई मामलीवरम से और आसपास के अतराफ से खुद आ गए ना।
कोई औरत है जो तुम्हें लेकर आई है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमदन फर्श ऐसा पे नहीं बैठते। खैर, यहां तो मजबूरी है कि जगह नहीं है। कुछ लोग अमदन नहीं बैठते। अगर तुम्हें अमदन जान पूछ कर फर्शे अज़ा पर बैठना नसीब ना हो तो ये सोचो, हमने ऐसा क्या खा लिया कि फर्शे अज़ा ने हमें बैठने नहीं दिया। अरे आप बेजुमले जाया ना करें, आप जुमले जाया ना करें। देखिए, मैं यहां की बात देखता हूं कि यहां तो जगह भी नहीं है। ये उनके लिए करा जो जान पूछ कर नहीं बैठते। ये वो लोग जो मजलिस में आते ही नहीं, ये मत सोचो वो नहीं आते, वो नहीं आते, वो ना बाबा ना। फर्शियादा खुद नहीं चाहती कि वो यहां बैठे। ये तो मजलिस के बाद तय होगा ना कौन कितने परसेंट हुसैनी है। लेकिन आके बता दिया 100% यजीदी नहीं हो। आप नहीं सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। ये फर्शियादा, मैं शहजादी जैनब का फिक्र नहीं करता, ये फर्शियादा फर्क करती है हमारा वाला कौन है उनका वाला कौन है। ये फर्शी अज़ा फर्क करती है। अच्छा, आज भी कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोगों को, सबको क्यों कहूं, हमारे सुन्नी भी हमारे भाई हैं। हाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुद शरफ हासिल हुआ, हमने आयतुल्लाह शेख खान साहब से मुलाकात की। उनके भी दो फिक्र को करूंगा कि उन्होंने क्या कहा। वहां ना देखिए, वो अभी सदा दे रहा है जुमले से पहले। जुमलों की कदर करोगे तो मैं मूड में बैठा हूं सरकार, मैं खुद नहीं चाह रहा, कुछ बातें बचा कर लेता हूं। ये फर्शी अज़ा फर्क करती है, अपना कौन है उनका कौन। कुछ लोगों को शौक उठा कि यजीद को रजी अल्लाह बना दिया जाए। ठगना नहीं, ठगना नहीं, यजीद को रजी अल्लाह बना दिया जाएगा, बनाया जाए यजीद को रजी अल्लाह। इस मरहले पर शिया भी बोले, सुन्नी भी बोले, हक है तो बोलना पड़ेगा ना। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, किसी खतीब पर फिक्र याद आ रहा उसको भी कोट कर देता हूं। यजीद को रज़ी अल्लाह कहा गया, पूरा हिंदुस्तान परेशान था, सब परेशान। यकीन मानिए, मैं नहीं था परेशान। कुछ देर के बाद आपकी परेशानी होने वाली है। जब किसी चीज को बोना करना हो ना, छोटा करना हो, यह सलीका भी सैयद सज्जाद ने दिया, उसकी अहमियत को नजरों से गिरा दो, अहमियत को नजरों से। या सुनी हुई बात है, किसी लकड़ी को छोटा करना हो ना, उसे काटो ना छाटो बगल में। बस एक जुमला कह रहा हूं, यजीद के रजी अल्लाह होने का जनाजा निकल जाएगा। सब परेशान थे, यजीद को रजी अल्लाह कह दिया जाकर नायक ने। अच्छा, मैं क्यों कहूं जाकर नायक, खल नायक ने। या बेदार हूं ना, यजीद को रजी अल्लाह कह दिया, यजीद को रजी अल्लाह। मैंने कहा क्यों परेशान हो रहे हो। तो लोगों ने मुझसे कहा, मौलाना बड़े हल्के में ले रहे हैं आप इस बात को, उन्होंने रजी अल्लाह कह दिया, हमने कह दिया तो बहुत छोटी सी बात है। अब दूसरी बात तो ये सरकार, पहली बात बाद में बताऊंगा, पहले दूसरी बात सुन लो। दूसरी बात तो ये सरकार, परेशान वो लोग ज्यादा हो जिनके यहां रजी अल्लाह होते हो। कि मैं तुम तक ये बात पहुंचा दूं। परेशान वो लोग उनके रजी अल्लाह होगा, यजीद को रजी अल्लाह कह दिया, यजीद को रजी अल्लाह कह दिया। हमें पता, सब कुछ था। हमने पूछा किसने कहा, करदार करे नायक ने कहा, खल नायक ने कहा, मालूम ने कहा, सब परेशान थे। हमें क्यों परेशान होते हो, रजी अल्लाह कह दिया तो कह दिया। अरे भैया, हर बेटे को हक है अपने बाप की तारीफ करे।
बात, भैया हर बेटे को हक है अपने बाप की तारीफ करे।
سفیروں نے پوچھا او یزید، مجھے یقین ہے کہ سننے کے معاملے میں باہر والے اندر والوں سے کم نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو باہر سے نہ سمجھیے گا، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پروٹیسٹ ہیں یزیدیت کے خلاف. یزید کون ہے یہ لوگ؟ کہتا باغی ہیں، خارجی ہیں، خروج کیا تھا. جیسے ہی زینب نے یہ سنا، مسائل نہیں پڑھ لو، اگر آپ کی آنکھوں میں ہلکا بھی آنسو آئے میرا منہ چل جائے گا. ہوش، صبر، تحمل، جاؤ سنو، دیکھو مجھے. جیسی زینب نے دیکھا جس مقصد کے تحت ہم وہاں سے یہاں تک آئے، یہ اسی کو پامال کر رہا ہے. یزید نے کہا باغی ہیں، خارجی ہیں. لمحہ بھر نہ گزرا، علی کی بیٹی نے بابا کے لہجے کو اوڑا. اچھا ایک بات بزرگ خطبہ سے مجھ تک پہنچی، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ لہجے سے مراد یہ کہ علی کی طرح بولی؟ سوچئے، اگر کوئی مرد عورت کی آواز میں بولے اچھا لگے گا، اور کوئی عورت اگر مرد کی آواز میں بولے اچھا لگے گا. آپ کو پہلے بتا دیں نہیں لگے گا اچھا. تو یہاں پر لہجے سے مراد علی کی طرح بولنا نہیں، بلکہ لہجے سے مراد وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ محاوروں کا استعمال، وہ لفظوں کی نشستوں پر خاص، وہ تمثیل، وہ مثالیں جیسی علی استعمال کرتے تھے وہی زینب استعمال کر رہی ہے. تبھی تو ایک اندھا صحابی چیخ کر بولا، لگتا ہے قیامت آ گئی، ایسا لگتا ہے علی بول رہے ہیں، ایسا لگتا ہے. اب سنو، میں پوری اس توانائی کو، اس اپنی پوری طاقت کو اسے جملے پہ سمیٹ پڑھوں گا. مجھے نہیں پتا کل میں رائے پور میں مجلس پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں، لیکن میں اسے جملے پہ صرف کرنا چاہوں گا اپنی طاقت. میرے ساتھ چھوڑ جانا میرے جواب. بزرگوں سے دعائیں، بس سات دن کا چاہیے. لائے گئے ابو طالب کو اوڑا اور آواز کو اجاگر کیا، ارے او ہندا کے پوتے، میں زینب بنت علی تیرے گھر سے لے کر قیامت تک ایسا میڈیا فرش ازا کی صورت میں چھوڑ کے جاؤں گی. کیسے آؤ؟ جو لوگ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، آپ دیکھنا سکا مجلس چھوڑ کے کتنے بھاگتے. ہاں نہیں، ویسے امید ہے بھاگنے والوں سے کیا مطلب میرے مولا کا؟ کہ یزید میرے بھائی کا غلط تعارف کراتا ہے. میں زینب بنت علی تیرے گھر سے لے کر قیامت تک
ایسا میڈیا فرش ازا کی صورت میں چھوڑ کے جاؤں گی اگر میں نے بھی قیامت تک تجھ سے محبت کرنے والوں کو آتنکوادی نہ کہلوا لیا, مجھے زینب نہ کہلا. حسین نے کربلا میں فارمولا بدل دیا, کربلا میں جس نے پانی پی لیا وہ مر گیا. یا علی یا علی, جس نے نہیں پیا وہ روکے نیزا پہ بولا. کیونکہ آج دنیا پری پلان کام کر رہی ہے, منصوبہ بند ساری شوکت ہے, لیکن میں وقت کی پابندی کرتا ہوں اور کل شب سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں بھی وقت کی پابندی ہوتی ہے. کل شب سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں وقت کی پابندی ہوتی ہے. اچھا لگا, کوئی بات نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی شکوا نہیں, لیکن یقین مانے میں بھی وقت کی پابندی کر پاؤں. ختم ہو رہی ہے سر, صاحب تھوڑا یہ ختم ہو گیا. آپ لوگ سلامت ہیں, یہ مجمع سلامت ہے. آج پری پلان یہ کام ہو رہا ہے, منصوبہ بند سازشوں کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. ولدیت بدلو, کنیت بدلو, شجرے بدلو, اور شیعوں میں آتنکوادی ثابت کرو, منصوبہ بنا. یہ 2019 میں حضور والا نیا کوالٹی کا عذاب آیا ہے اللہ کا. پہلے جملے آپ پہنچے نہیں پہنچے, بدلی ہوئی چیز کو بدلا جا رہا ہے. ولدیت بدلو, کنیت بدلو, شجرے بدلو, اور شیعوں میں آتنکوادی ثابت کر. میں نوید آبدی بحیثیت خادم حسین, ذاکر حسین خادم اذکار, میں بحیثیت غلام حسین ذاکر حسین, قلم اور کاغذ تم لاؤ, سگنیچر میں کرتا ہوں, ایک ہاتھ علم پہ ہوگا, دوسرا ہاتھ قلم سمیت پیپر پہ ہوگا, میں لکھ کر دیتا ہوں. کتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو, قیامت تک ہم شیعوں میں تم آتنکوادی ثابت نہیں کر پاؤ گے. میں عورت کی طاقت پڑھ لوں, عورت کی طاقت پڑھ لوں. میں نے کہا تم ہم میں قیامت تک, بات میں تھا میں اس لیے آج تک پڑھوں گا کہ تم ہم میں قیامت تک. اچھا, جس گھر میں نام حسین ایک ماتم ہوتا, جو بندہ ایک مجلس ہی کراتا ہو یا ایک روپے سے آزاداری میں تعاون کرتا ہو, کلیجے پہ ہاتھوں کو فیصلہ کرتا, قیامت تک ہم شیعوں میں آتنکوادی